खगड़िया लोकसभा से लोजपा और एनडीए के प्रत्याशी राजेश वर्मा आज भागलपुर के बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की है और यहां से अब वो सीधे निकल रहे हैं खगड़िया लोकसभा के लिए। आइए सीधे उनसे जानते हैं कि खगड़िया चुनाव में उन्हें जो बड़ी जिम्मेदारी मिली है। राजेश जी, पूजा अर्चना तो हो गई, खगड़िया लोकसभा में जिम्मेदारी मिली है, कैसे देखते? नहीं बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले इसके लिए अपने राष्ट्र अध्यक्ष जी का ढेरों साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लायक मुझे समझा और मुझे इतनी बड़ी जवाबदेही जिम्मेदारी दी। मैं पूरा 100% प्रयास करूंगा कि मैं उनके विश्वास पर पूरा खड़ा उतरूं और आज से खगड़िया वासियों के लिए, खगड़िया की देवतुल्य जनता के बीच उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके बीच आगे की रूपरेखा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य महादेव का आशीर्वाद लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। वार्ड का चुनाव आपने लड़ा, डिप्टी मेयर बने, विधायक का भी चुनाव आपने लड़ दिया और अब सबसे बड़ा जो चुनाव लोकतंत्र में कहा जाता है लोकसभा का चुनाव, वो लड़ने जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कितनी जिम्मेदारी बढ़ गई आपको, कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि क्योंकि मैं गैर राजनीतिक परिवार से हूँ, मेरे परिवार में मेरे अलावा कोई किसी पार्टी का सदस्य भी कभी नहीं रहा है, तो मुझे लगता है कि बेशक मैंने शुरुआत जो है वो वार्ड के चुनाव से की थी जिसमें नली गली रोड और इन विषयों को लेकर, मूलभूत समस्याओं को लेकर, लोगों के समस्याओं के निजात को लेकर राजनीति का सफ़र शुरू किया था और तब ये सोचा भी नहीं था कि ये गैर राजनीतिक परिवार के किसी बच्चे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिल सकता है और ये प्लेटफॉर्म देने का काम हमारे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने किया है, तो मैं इसके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक ऐसे मतलब एक इतना बड़ा एक मौका दे दिया कि जो मेरे लिए अब तक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में इसको ले रहा हूँ। हार जीत की बहुत चिंता नहीं है और इसीलिए बहुत सकारात्मक हूँ और आश्वस्त हूँ जीत के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि एनडीए अलायंस जो है जिसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत स्पष्ट है कि जीतने के बाद हमारा चेहरा कौन होगा प्रधानमंत्री का, जीतने के बाद माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विजन्स क्या हैं, पहले उन्होंने क्या किया है, एनडीए अलायंस जो इंटैक्ट है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आश्वस्त करती है कि आप जीतेंगे और खगड़िया लोकसभा सीट जो है वो माँ कात्यायनी की तो धरती है ही, साथ ही साथ हमारे संस्थापक रहे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का गृह जिला रहा है, तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा मुझे रामविलास पासवान जी के नाम पे। एक बाहरी वाला मुद्दा भी राजेश जी आएगा, आप इससे नकार नहीं सकते हैं, स्थानीय और बाहरी, इस मुद्दे को कैसे आप हैंडल कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मुझे लगता है कि जितने भी लोग हैं वो सब लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, मैं ये विश्वास करता हूँ, और लोकतंत्र देश के किसी भी कोने से कोई कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, ये इजाज़त देता है। और जहाँ तक रही बात बाहरी की, तो मैं किसी दूसरे राज्य से नहीं हूँ और ना ही मैं कोई पटना से जाके चुनाव लड़ रहा हूँ। भागलपुर लोकसभा ख़त्म होता है और खगड़िया लोकसभा की शुरुआत हो जाती है, तो बिल्कुल बगल का जिला है जहाँ पर पारिवारिक रूप से बहुत लोग हैं, आना जाना लगा रहा है, राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से भी, तो सभी मद्देनज़र से खगड़िया आना जाना कई बार लगा रहा है, तो मुझे लगता है जो लोग जब पूरी तरीके से रूबरू हो जाएंगे, मुलाकात हो जाएंगे, तो लोगों का भी ये एहसास भी नहीं होगा कि ये शख्स कोई हमारे पड़ोसी जिला का भी शख्स था, कि उनको हमेशा ही लगेगा कि हमारे खुद के जिला में मुझे इतना प्यार देने वाला इस बार जो है प्रत्याशी मिला है। चलते चलते शॉर्ट में खगड़िया को लेकर क्या विज़न है आपका? देखिए, मैं पहले भी कहा हूँ, क्योंकि मैं नगर निगम से चुनाव जीत कर पहले आया हूँ और नगर निगम में रहते हुए मैंने सैकड़ों, क्योंकि भागलपुर तो फिर भी बहुत अर्बन एरिया है और खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की यदि बात करें तो वहाँ रूरल एरिया ज़्यादा है, तो जब संभावनाएँ बहुत हैं वहाँ जी, और संभावनाओं के पीछे का कारण क्या है कि मक्का, केला, दूध, मछली, ये सारी चीज़ें ऐसी है जो फूड प्रोसेसिंग, अगर हम लोग प्लांट जो कि प्रिंसटीन फूड पार्क का उद्घाटन हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने किया था यही सोच के कि हज़ारों युवाओं को वहाँ पर रोज़गार मिल पाएगा, तो मुझे लगता है जो उनका अधूरा सपना है वो हम लोग वहाँ पर पूरा करने का काम करेंगे, क्योंकि देश भर में वहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है और लोग बाहर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाकर उत्पाद कर रहे हैं और आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, रोज़गार भी दे रहे हैं, तो हम लोग अपने ही जिले में क्यों नहीं इस चीज़ को कर सकते, तो मुझे लगता है कि मेरी प्राथमिकताओं में ये सारी चीज़ें रहेंगी। क्या लगता है मोदी जी की गारंटी में, राजेश वर्मा की गारंटी चल जाएगी क्या वहाँ? देखिए, जब पिछले बार जब 2019 का चुनाव था तो तीन घटक दल साथ लड़ रहे थे और जदयू, लोजपा और भाजपा, तब हम लोग 40 में 39 सीट जीत कर आए थे। इस वक्त 5 घटक दल हैं, इस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जी भी और आदरणीय जीतन राम मांझी जी भी साथ हैं, तो मुझे लगता है जो एक सीट जो हम लोग पिछले बार लूज़ किए थे किशनगंज, इस बार वो 40 की 40 सीट पाने का हम लोग काम करेंगे। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।
ये थे राजेश वर्मा, जो बाबा बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा अर्चना करके अब खगड़िया के लिए प्रस्थान करने वाले हैं, जिन्होंने साफ कहा कि कोई बाहरी और स्थानीय वाला जो मुद्दा है वो बहुत बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वो इसी भागलपुर में, और भागलपुर लोकसभा की जो सीमा है, खगड़िया लोकसभा की सीमा वहीं से शुरू होती है। और बहुत विश्वास के साथ इन्होंने कहा है कि जैसे ही लोगों के बीच ये जाएंगे, मिलेंगे, और उनसे इन्हें अपनत्व मिलने की पूरी संभावना, रामविलास पासवान की धरती है तो ये एक बड़ा लाभ इनको मिल सकता है। मोदी गारंटी में 40 की 40 सीटें जीतने का इन्होंने दावा किया है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर।